हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? आशा करते बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारे मुकेश भैया हमसे मिल गए, हम मुकेश भैया के घर पे आ गए। मुकेश भैया से मिलने दोस्तों, और देख लीजिए हमारे मुकेश भैया यहाँ पे खड़े हैं। नमस्ते दोस्तों, पहले भी इनसे मिल चुके हैं। हाँ। कितना टाइम पहले? लगभग अरे हो गया, 2-4 महीने तो हो गया होगा ना। हाँ, 2-4 महीने हो गया दोस्तों। तब हम इनसे मिले थे, तो फिर हमारा दिल कहा कि मिले भैया से थोड़ा, तो आए हम मिलने मुकेश भैया से। और क्या अच्छा लगा मिलके हमको। तो अभी क्या चैनल मोनेटाइज का? नहीं भाई, अभी अभी हमारा सब कंप्लीट हो गया है, सिर्फ अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। अच्छा। तो वही मोनेटाइज अभी देखते हैं, पहली तारीख से। हाँ, तो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो वाज टाइम कंप्लीट हो गया? नहीं, हो गया, सब कंप्लीट हो गया, उस टाइम पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है। तो अप्लाई किया आपने? नहीं, अप्लाई कर दिए हैं लेकिन अभी मैसेज नहीं आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। चलिए बढ़िया है, अप्लाई कर दिए तो हो ही जाएगा, अगर कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ। अप्लाई चाहिए, चैनल मोनेटाइज करने के बाद ये होता है, कुछ भी कम्युनिटी गाइडलाइंस या एक्टिविटी नहीं दिखता चैनल पर, तो आराम से यूट्यूब एक दो दिन में मोनेटाइज कर देता है। हाँ, हाँ। मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था अपने चैनल पर, तो ये बोला था क्लियर कि अगर आप सभी के चैनल पर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखेगी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो, लेजेंड के खिलाफ हो, तो आपका चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाता है। जैसे अगर आपके चैनल पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो आराम से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और हर किसी का सपना होता है कि यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट जो आएगा वो कब आएगा, वो सपना पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा, तो मेहनत तो करते हैं भैया, दिन रात मेहनत तो करना ही पड़ता है, तो मेहनत तो करते ही हम लोग। क्या और ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आप शॉर्ट भी डालते हैं, फिल्म भी डालते हैं, दोनों डालते हैं? हाँ, दोनों डालते हैं, लेकिन अब शॉर्ट नहीं डालेंगे, सिर्फ अभी बड़ा वाला वीडियो डालेंगे। अभी शॉर्ट हम बंद कर देंगे। हाँ, शॉर्ट बंद कर देंगे, अब बड़ा वाला वीडियो डालेंगे, सिर्फ बड़ा वाला वीडियो जाएगा, हमारा लॉन्ग वीडियो जाएगा, अब शॉर्ट बंद कर देंगे बनाना। शॉर्ट डालना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मतलब दोनों में मेन चैनल पर ही मत डालिए, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग डालना है तो दूसरा चैनल बना लीजिए। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट लॉन्ग में या फिर ज्यादा इंटरेस्ट शॉर्ट में, तो उसका चैनल अलग अलग होना चाहिए, वरना दोनों पर एक ही डालेंगे तो दो प्रकार की ऑडियंस आएगी, तो थोड़ा डिसमैच वगैरह होगा, दिक्कत हो सकता है, या फिर शॉर्ट की वीडियो लोग देखेंगे या फिर लॉन्ग वीडियो देखेंगे। नहीं तो हम शॉर्ट नहीं डालेंगे, पहले डालते थे लेकिन अब बंद कर दिए, अब हम सिर्फ बड़ा वाला वीडियो बढ़िया डालेंगे बस। बस बढ़िया, मेहनत करते रहिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट, जो यूट्यूब पर आना चाहते हैं मेहनत करते हैं, एक तरह से मेहनत कीजिए, पूरा सीक्वेंस में देखना चाहिए सारा कुछ, ऐसा नहीं कि कहीं दाल दिखे, कहीं भात दिखे, कहीं चावल दिखे, कहीं कच्चा रहे, कहीं पक्का रहे, मतलब खिचड़ी ना रहे सब। नहीं, खिचड़ी वाला अच्छा नहीं लगता है भैया वीडियो। बस मेहनत करते रहिए और सही तरीके से मेहनत कीजिए। देखिए, काफी सारे लोग होंगे जो यूट्यूब पर ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेहनत तो कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे देखो 14 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 14 लाख यूट्यूब फैमिली है, जिनके 5000 सब्सक्राइबर्स है ना, वो भी उतना मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है ना वो और भी मेहनत करते हैं। हाँ। क्योंकि ना तो उनको पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, ना तो घर से सपोर्ट मिलता है, आस पास पड़ोसी सबका ताना सुनना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनका और भी मेहनत रहता है। क्योंकि मैं ये सब फील किया, मेरे को पता है, मैंने ऑलरेडी ये सबको फेस किया है। तो जो कोई भी थोड़ा बहुत यूट्यूब से हासिल कर लेते हैं, उनको उतना भी दिक्कत नहीं झेलना पड़ता, जैसे माँ बाप के ताने सुनना और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए रिचार्ज ना होना, इधर उधर से सारा कुछ जुगाड़ करना, वो दिक्कत नहीं रहता उतना आसानी, उतना मतलब दिक्कत नहीं होता जितना नॉर्मल जो शुरुआत करते हैं। हाँ, सही बात। तो बस यही कहने का मतलब है, मेहनत करते रहिए और कुछ नहीं, मेहनत तो करेंगे भैया, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए और कुछ नहीं। बस दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग से ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए दीदी को, बस आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। अगर आप लोगों ने दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही दूर से मिलने आए हैं, लगभग 70 किलोमीटर दूर से मिलने आए, कहीं ना कहीं एक आस लेकर आए हैं कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट शायद मिल जाएगा। हाँ। तो प्लीज आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी इनको जाना भी काफी तेज धूप है, तो दिक्कत हो सकता है, आप लोग समझ सकते हो, और ये आप सभी को ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग चलाते रहेंगे, चाय पी के निकले हैं हम घर लोग घर से। चलिए बढ़िया, मेहनत करते रहिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद धन्यवाद।